परब त्योहार का दिन है आज भाई? शास्त्र का तो पता नहीं, पर 300 बरस हो गया बिला नागा आती आज का रोज। भला भूल भी कैसे सकती थी भारती, वो दौर ही कुछ ऐसा था। पिता रामनाथ राय 14 वर्षों से प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी के समाजवादी रोमांस ने भारती को बगावत के रास्ते पर डाल दिया था। आदर्शवादी वामपंथी विचारधारा के करिश्माई लीडर भास्कर सन्याल से आकर्षित होकर उसने अपने पिता के खिलाफ ही झंडा उठा लिया था। वैसे भी देश का राजनीतिक इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था। रामनाथ राय भले ही अपने सत्ता को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकार और भारती के मुंह बोले भैया ब्रिजगोपाल तो हवा का रुख पहचान ही रहे थे। कॉमरेड भास्कर आपको बहस में खींचने का प्रयास करेगा, उसके जाल में फंसना मत। 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ ब्रिजगोपाल, घास नहीं काट रहा है। महारैली को डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो जनता की तरफ से मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। उठा रहे हैं उनका उत्तर जनता अच्छी तरह से जानती है, और जिन्होंने इनके बहकावे में आके लाल झंडे उठा लिए हैं वो भी रामनाथ राय की राजनीतिक तपस्या से अच्छी तरह से वाकिफ है। झंडे के रंग का नहीं है राय साहब, क्योंकि गरीबी भुखमरी बेकारी ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते, ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, दो मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लीजिए। अरे ये कैसी गरीबी है भाइयों, जो इनकी सैकड़ों योजनाओं करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेती। आज हम आपको साथ निकलेंगे, हमारी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी से आजाद करते हैं। बस कीजिए बहुत हो गया। बेटी में डलते ही लोकतंत्र का गला घोट देते हैं आप लोग। बुलाने में लग रही है शर्म नहीं आई आपको अपने ही बाप के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करते? आप जिसे भगवान मान बैठी है वो 2% का आदमी भी नहीं है। जानती हूँ बाबूजी, आपकी नजर में तो बस 2% वालों की ही कीमत होती है। शट अप! क्या यहां कोई कॉमरेड भारती नहीं है? दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। क्या कर रहे हैं आप? खिचड़ी पका रहा हूँ, खाओगी? दीजिए मैं बना देती हूँ। तुम पकाने लगी तो बन चुकी। अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तुमने तो अपनी निश्चल आस्था से अपने आप तक को मुझे समर्पित कर दिया। मैं ही कमजोर निकला और उस विश्वास को रख नहीं पाया।
दोष तो हो गया है भारती, और कभी अपने आप को मैं दोष मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूं सबको और सब कुछ छोड़कर। शायद तपस्या अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करूंगा। भास्कर, जतन से समझा बुझाकर भारती को प्रांत में तेजी से उभर रही राष्ट्रवादी पार्टी के आक्रामक नेता भानु प्रताप के छोटे भाई चंद्र प्रताप से विवाह के लिए राजी कर लिया। किसी को अंदाज भी नहीं हुआ कि एक ही तीर से वो तीन शिकार कर रहे थे। उन्होंने भारती का भविष्य तो सुरक्षित किया ही, साथ ही साथ एक तरफ रामनाथ राय की डूबती राजनीतिक नैया को मजबूत गठबंधन का सहारा दिलाया, वहीं भानु प्रताप के राष्ट्रवादी को आने वाले चुनाव की फंडिंग के लिए एक मोटा असामी भी। ठीक ही होगा जहां भी है, बस आशीर्वाद देता हूं उसको। रक्षा करना मेरे बेटे की, जहां भी। पहले तू रोटी लगा दो, सूरज की माँ एयरपोर्ट जाना है। अब कौन आ रहे हैं? हमारे छोटे साहब समर। अच्छा? अमेरिका से आ रहे हैं बड़े साहब के जन्मदिन पर। We'll be right back.
कुछ हो गया गाड़ी को तो कहाँ जवाब देंगे हम। अरे रेसिंग चैंपियन अपने सूरज भैया, हवा भी ना छू सके गाड़ी को। अरे खाक चैंपियन, सब कचरा लगा दिया गाड़ी पर, अब साफ करें। अरे फ्लाइट का टाइम हो गया, समर बाबू अमेरिका से आ रहे हैं। हम नहीं धोते अमीरों की गाड़ी। अरे बेटा मालिक है हमारी, रोटी चलती है हमारी उनसे। हमारे मारे कम खुद है बाबू, रोटी हमारी नहीं उनकी चलती है हमसे। तुमसे तो मुंह लगाना ही पागलपन है। अरे हम बस भी कीजिए, जाने काका बोल दिया हमने मुल्ला को, हम कर देते हटिए। लाबा आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है ना। कभी नहीं भूलते तुम छोटे बाबू। अब इतनी दूर चले गए हैं, हमें सबकी याद तो आती रहती है। हमको भी तुम बहुत याद आते। अच्छा आए हो इस बार, कुछ ही दिनों में त्योहार है। अरे काका नहीं, मैं तो बस दयाजी के बर्थडे पर आया और अगले हफ्ते पेपर्स भी जमा करने। फिर इस साल भी त्योहार को ये कौन पागलों की जैसे चला रहे गाड़ी, लगता है हिंदू बिटिया। आ गए बेटा। अरे नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा, पार्सल सही सलामत डिलीवर कर रहे हो। मुझे पार्लर जाना है, शाम को मिलते हैं ताजी के बर्थडे पर। तूफान है ये लड़की। 30 वर्षों में भानु प्रताप और चंद प्रताप की राष्ट्रवादी पार्टी ने 3 बार प्रांत की गद्दी पर कब्जा किया। बड़े भाई का करिश्मा और छोटे का राजनीतिक मैनेजमेंट, खूब तरक्की की। पिछले चुनाव में जब बहुमत नहीं मिला तो बुढ़ऊ रामनाथ राय को बाहर से समर्थन देकर रबर स्टैंप वाली सरकार बनवा दिया। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे मामलों को सुलझाने का तरीका भानु के बेटे वीरेंद्र को अच्छी तरह मालूम था। पूरा दर्जन प्रजातांत्रिक एमएलए लोग बैठे हैं मिनी बस में। जी डायरेक्ट गेस्ट हाउस में उतारी, नाश्ता करवा। जी पधारिए नाना जी। नाना जी पूरा पार्टी हाईजैक करके ले आया और बिना सेना के सेनापति कहां हवा में तलवार भाज रहे हैं। बुजुर्ग हैं हमारे। हाँ तो कहिए बुढ़ापे का धर्म निभावे और कुर्सी छोड़े। बाबूजी आइए अंदर चल के बात करते हैं। ये कोई तरीका है घर बुलाने का, सरकार गिराने का? आपसे विचार करके ही होगा सब कुछ। देखो इस बार 100 से कम सीटों में नहीं मानने वाली है कमांड। 10 सीट का ठिकाना नहीं है, चले हैं सेंचुरी मारने। नेशनल पार्टी होगा दिल्ली में, यहाँ पर वीरू बस करो यार। आइए बाबूजी चलिए। तू तो मुझे फोन करता नहीं, बस तेरे ब्रिज मामा से तेरी खबर मिलती रहती है। टाइम का फर्क है ना माँ, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात, और ब्रिज मामा तो निशाचर है। चल बात हो जाती है उनसे। ए भैया ओए आते ही परांठे पे टूट पड़ा। हाँ एकदम सूख गया है ना माँ। अब छोड़ इसे और तू भी बैठ। नहीं माँ मुझे तो पार्टी हेडक्वार्टर जाना है, बस इससे मिलने आ गया। वीरेंद्र भले अपने आप को गद्दी का उत्तराधिकारी समझे, पृथ्वी अपने आप को ही उस कुर्सी में देखता था। इस बार चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाना जरूरी था। इतना पब्लिसिटी करो उसका कि पार्टी टिकट मिलना ही चाहिए। लड़के लेंगे बॉस, पार्टी हाईकमांड को गनगना देंगे इस बार, पता चल जाएगा पृथ्वी भैया का पावर। शाबाश। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे, देखिए ना रोक रहे हमें बाहर, हम कह रहे हैं मिस्टर से जरूरी बात करनी। खास मीटिंग चल रही है, बैठिए। समझ गए तुम लोग? यस सर। तो चलो ओके, पार्टी का टाइम भी होगा। ओके सर। ए जगत हमारा भी गाड़ी लगाने को। भूल गए आप हम।
इलेक्शन का हल्ला सुन रहे हैं सर। दीजिए, पक्का जीत कराएंगे। घर है हमारा सीतापुर, वहां कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। सर इस बार भूलिएगा मत, सीतापुर का टिकट। यही तो सारा प्रॉब्लम है, सब लोग राजनीति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस समझ लेते हैं। जहां देखो हाथ दिखा के रोक लिया और चढ़ गए। हम बहुत मेहनत किए हैं सर और आगे भी करते रहेंगे। दे दीजिए। बहुत अच्छा सैंडल किए तुम राय साहब को, तो इनाम दीजिए ना अपने बेटा को। सब कुछ इसी का तो है। तो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट का सिलेक्शन हमको करने दीजिए ना बाबूजी। बेटा वो तो तुम्हारे चाचा जी का जिम्मेवारी है, इसलिए तो पृथ्वी वहां। मगर इस बार हम चलने नहीं देंगे बाबूजी। अच्छा हुआ तो आ गया। आपका बर्थडे है ताया जी। आई वांट मिस फॉर द वर्ल्ड। नमस्ते। नमस्कार। आइए सक्सेरिया साहब। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्कार। इनका एक्साइज और सेल्स टैक्स वाला तीनों फाइल आज सवेरे ही क्लियर करवा दिए हैं। भूलते नहीं हो राजकुमार तुम कभी। हाँ अब कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू सर, मगर अब खाली हैप्पी बर्थडे से काम ही चलेगा। हर वक्त हाजिर है सर, कभी निराश किया? शांत रहिए, शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए। शांत रहो, बैठो, कृपया बैठ जाइए। तीन तीन चुनावों में विजयी बनाने के बाद जब पिछले चुनाव में जनता ने हमें बहुमत से दूर रहने का आदेश दिया, तो उसे सर आंखों पर रखकर हमने बगैर सत्ता के लोभ लालच के पूजनीय रामनाथ राय जी की गठबंधन सरकार को बाहर रहकर समर्थन देने का निर्णय किया। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 18 महीने में कैसे कैसे नंगे राजनीतिक तांडव किए गए हैं, भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है और जनता त्राही मांग कर चुका है। अब हमसे आम आदमी का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए हमने इस निगम की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। जनता जानती है कि हम इस परिस्थिति के लिए कतई जिम्मेवार नहीं। देकर निकला तो पता चला सरकार भी हाथ से गई। और आप ही अभी इंक्रीज आई लाइन प्रेशर। प्लीज
मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था बनारस से, यहाँ उतरा तो पता चला हादसे का। अटैक ऑफ इसी से मामा जी। हाँ देखते हैं। हार्ट रिवाइव हो गया है लेकिन अंगों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्या उनको लकवा मार दिया है? इसी चीज की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सरकार गिर चुकी है, चुनाव निश्चित है, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के नेता इस समय जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री भानु प्रताप के बिना इस पार्टी का क्या होगा? देखिए इसके पहले के लोग होशियारी दिखाए, कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? हम हमेशा आपके साथ हैं। आप लोग पार्टी ऑफिस पहुंची? जी हाँ। बाबा जी हेलो। क्या किसी हालत में मत होने दो ये मीटिंग। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सारा कमरा स्वीट जो भी हो बुक करो, समझे? और हाँ, जो जहां भी मिले उन्हें गाड़ियों में इकट्ठा करो और सबको पहुंचाओ वहां पे। जी सब कुछ खत्म कर देंगे ये बेलगाम लक्ष्मण लोग। इस कठिन समय में तुम्हारे निर्देश की बहुत जरूरत है। अरे गाड़ी घुमा, होश आ गया बाबूजी। होश में आते ही कहा सब जी भैया। भैया प्लीज हम बाद में बात कर लेंगे। क्या लाल पार्टी संभालो और किंग प्रेसिडेंट। इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? आप तुम और पृथ्वी जी। चल चल चल। ये क्या कर दिया भौजी? भौजी वो वापस दीजिए इसको प्लीज। भौजी आप हमारा कद एकदम काट दिए भौजी आप। कब से हमको जॉइंट वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे थे। बात करो ना। कद के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। बाजी 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 to New York to meet you at the airport. You don't have to do that. I want to. This weekend, I want you just to myself before you get consumed by your presentation. Love you. Come soon. Miss you. मैं चाहता हूं जितने भी प्रस्तावित नाम हैं सबों पर खुलकर विचार किया जाए। लिस्ट बना चुके हैं हम, आप लोग इसको ओके कीजिए। वीरेंद्र, पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी प्रस्तावित नामों पर विचार होगा। कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आपका कार्यकारी अध्यक्ष पद पर चुनाव किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ? चचा जी, जिस अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, उनको दिखा चुके हैं हम ये लिस्ट।
तो उनका आदेश पत्र भी होगा आपके पास? लिस्ट तो यही रहेगा, जितना विचार करना है कर लीजिए। टॉप में माधोपुर सीट पर आपने अपना नाम कैसे लिख दिया? माधोपुर की सीट से तो हमेशा बड़े साहब ही लड़ते रहे हैं, और पिताजी की अनुपस्थिति में उस पर पहला हक। माधोपुर सीट पर किसी दावे की जरूरत नहीं है, वो सीट पार्टी अध्यक्ष के लिए सुरक्षित है। और वर्तमान में वो चंद्र प्रताप जी हैं। माधोपुर से तो अध्यक्ष को ही लड़ना चाहिए। नगर पालिका का इलेक्शन तो लड़े नहीं आप आज तक, अब अचानक माधोपुर। हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। सरकार और उसके ठेकेदारों से छीनकर इस जमीन पर हमारी पार्टी ने आजाद नगर बसाया था। हमारे दिल में खास जगह है यहाँ के गरीब और पिछड़ी जात के लोगों के लिए। लीडर सही हो, पढ़ा लिखा, जो आपका नेतृत्व कर सके, आपके बीच का हो। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। और इस बार विधानसभा में आजाद नगर से राष्ट्रवादी कैंडिडेट होंगे जीवन कुमार। जीवन कुमार हमारे जात के भले हो, हमारे बीच के कैसे हो गए? इनको तो यह भी नहीं मालूम कि आजाद नगर की आबादी कितनी है। ना ही कभी यहाँ की गंदी गलियों में इन्होंने पैर रखा है, और ना ही चुनाव के बाद इनके दर्शन होंगे। तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है महासचिव जी, हमारा नेता हमारे बीच का ही होगा, इम्पोर्टेड नहीं चलेगा। ये कोई कबड्डी मैच नहीं होगा, हम विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, और इस बार राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार ही होंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं समझने का कोशिश करो, तुम लोग को मालूम नहीं है मंत्री थे जीवन कुमार के दादाजी केंद्र की सरकार में। तो बाप दादा मंत्री थे तो बेटे का हक हो गया? समझ क्या उसको पिछड़ों के बारे में? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, विलायत की डिग्री है उसके पास, आलिशान बंगले का मालिक। तुम जिस मर्सिडीज की ड्राइवरी करते हो वैसे चार चार हैं उसके पास। एक दिन बस्ती में रहेगा तो तेल निकल जाएगा उसका। वो हमारे बीच का कैसे हो गया? बस हो गया, इस बार आ गया पार। अरे भैया चाहते क्या हो तुम लोग? कैंडिडेट पार्टी सेलेक्ट करेगी कि तुम लोग? अपना कैंडिडेट हम खुद खड़ा करेंगे। और आ गया है का बेटा, बगावत करोगे? पांच वोट नहीं मिलेगा पार्टी से बाहर जाओगे तो, उल्टा वोट बांटकर पिछड़ा को कमजोर करोगे। तो क्या करें, सालों एड़िया घिसते रहे, चापलूसी करते रहे उनकी, और वो नेता ऊपर से टपकाते रहे। अरे बेटा जैसा तू सोचता है वैसा नहीं है, सब ख्याल रखा है हम सबका, पार्टी ने अपने जैसा मानते हैं सबको। देखो चार दिन के लिए समर भैया आए, मगर हमारे लिए घड़ी लाना नहीं भूले। घड़ी दिया है? हाँ, कि टाइम से ड्यूटी पे पहुंचो। यही तो साला प्रॉब्लम है तुम लोग का, अंडा फोड़ के निकला नहीं कुड़कर सीधा माथा पे बैठने का ख्वाब देखने लगते हो। अरे चाचा आप जैसों का टाइम गया, पावर पैदा करें हम लोग,
और बटन दे दे उन लोगों के हाथ में। आज से आजाद नगर में विदेशी कैंडिडेट का एंट्री बंद। हमारा नेता कैसा हो? पहचान दो हमको। ऊंचे लोग हैं आप लोग, हमारी पहुंच इतनी ऊपर कहां बाबूलाल जी। नाम में कोई कमी नहीं तुम्हारी, लेकिन ऐसे भाषणबाजी स्टंटबाजी करते रहोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। अकेले लड़के जीत भी गए तो क्या कर लोगे? उल्टा पार्टी हार का बदला लेगी आजाद नगर से। सचमुच कुछ बदलना चाहते हो तो पार्टी के भीतर लड़ो, टिकट ले। चलो उतरो। पता है इलेक्शन लड़ने वाली हूँ मैं इस बार, तुम देख लेना। मैं जीतूंगी और यंगेस्ट महिला मंत्री बनूंगी। अच्छा? हाँ, और अगली बार तुम आओगे ना तो लाल बत्ती में आऊंगी एयरपोर्ट। वाह, एक मेरे वोट के लिए इतना बड़ा लंच। मैंने तुम्हारे वोट के लिए लंच ऑर्गेनाइज किया है। तुम थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? तुम्हारे साथ नहीं, इस वेटर के साथ। देखो मूड मत खराब करो, आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ तुमसे। That's really serious. Stop, stop. ऐसे ही पहले प्रपोज करो। Okay, let's drink to your लालबत्ती. लालबत्ती? हाँ, मेरा मतलब जब तुम इलेक्शन जीतोगी और मंत्री बनोगी तो लालबत्ती वाली गाड़ियां होंगी ना तुम्हारे आगे पीछे। समर, हम शादी कब कर रहे हैं? Why do you look so shocked? शादी? हम समझ में नहीं आया मेरे। सब आ जाएगा समझ में, जब पंडित मंत्र पड़ेगा और मैं 17 फेरे लगवाऊंगी। स्टॉप स्टॉप इंदु, I know how you feel about me, but my feelings are not the same for you, Indu. I mean, you're an amazing girl. So beautiful, full of life, honest, just lovely. लेकिन प्यार नहीं कर सकते मुझे। जानते हो आज पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। Beautiful, amazing, full of life. इतना सब कहा मगर प्यार करते हो, ये 3 लव्स नहीं बोल सकते हो। और मैं पागल की तरह बचपन से तुम्हें दिल में बिठाए बैठी हूँ। I'm sorry, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? दोनों बहुत अलग हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष से मेरा सीधा प्रश्न यह है कि पार्टी के टिकट दिए किस आधार? आप पहले ये बताइए कि माधवपुर से अपना नाम आपने कैसे अनाउंस कर दिया? पृथ्वी प्रताप, वरिंद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर टिकट के लिए कोर कमेटी पूरी तरह विचार करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बात करना है। तो यहाँ क्या कर रहा? सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन, कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैरात बट रहे हैं, पार्टी का टिकट चाहिए।
सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार, जीवन कुमार। अब चलो यहां से। मार्शल, हमने सुना था लेकिन आपने शायद ना सुना ना देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहाँ बोला रे तू? तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग और लीडर बन जाएगा तू। सबको मालूम है नेताजी आपके खून पसीने की कमाई कहाँ गड़ी है, उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा, हमरा सारी लीडरी झाड़ देंगे। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं? हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बाबूजी आप चलिए। बस चुप चुप, धक्का मार के निकालिए इसको। ले जाओ इसे, बढ़ाया पार्टी का टिकट ले। ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। आशल चल, कहीं नहीं जाने वाली है, यही रहेंगे। यही रहेंगे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य है सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन, ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरे। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। समिति में हुए नए प्रस्तावों को एजेंडे पर लाना होगा। इस आलोक में अगली सूचना तक कोर कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है। भैया की कमी बहुत खल रही है, वीरेंद्र को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज माधोपुर में सभा कर उसने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। तो हर्ज क्या है, खड़ा होने तो उसको वहां से। मामा जी आप भी जानते हैं कि वो हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट की सीट होती है, वहां से जीता तो करा मचा देगा वो। हार भी तो सकता है। तू नहीं जानता छोटे, वो हमारा सबसे सेफ सीट है, वहां से हमारे पार्टी का कुत्ता भी नहीं हार सकता। भैया पार्टी इलेक्शन जितवा सकती है तो हरा भी तो सकती है। सकती है, लेकिन माधोपुर का सीट हारना पार्टी के लिए ठीक नहीं। इसीलिए तो, ऐसी सीट से हारेगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा उसका, और सीट छोड़ने के लिए पार्टी में आपको सहानुभूति मिलेगी वो अलग। सो तो है, तुम्हारी समस्या वीरेंद्र नहीं सूरज है। परिस्थिति गंभीर कर दी है उसने। आजाद नगर से अगर सूरज को टिकट देते हैं तो वीरेंद्र का पलड़ा भारी होता है, नहीं देते हैं पिछड़ों के खिलाफ अतमोल लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हम एक आवाज में बात कैसे हो साहब? अरे ब्रिज मालिक,
बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुमने। अरे गोपाल, सुखदेव आप भी है बटुकेश्वर जी। पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया है यहाँ तो, लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रजगोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, है। तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ, नौजवानों का टाइम है, उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। विचार कुछ भी, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोचते। अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है, सिर्फ आजाद नगर ही नहीं हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा, अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। धन्यवाद ब्रजगोपाल जी, जब तक पार्टी में आप जैसे लोगों का स्तंभ है अन्याय नहीं हो सकता। बड़ा पुण्य होगा ब्रिज माता, गरीब की बेटा को पार्टी में स्थान दिए। सूरज आपको निराश नहीं करेगा। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरितर होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है, उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरितर, ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है, और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में। बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मालिक, हम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। राजनीति में फैसले सही या गलत नहीं होते बेटा, उनका मूल तो बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी। याद रखेंगे। माता के मंदिर में चादर चढ़ाना है मन्नत का, तेरे इलेक्शन के टिकट के लिए। मगर आज ही जाना जरूरी है का? अब आज तो आपकी छुट्टी है, फिर फुर्सत कब मिलेगा? अब बाबूजी की लंबी छुट्टी, ड्राइवर की नौकरी बंद उस घर में। ये का बोल रहा है सूरज? बस अब कुछ नहीं सुनना, नहीं करेंगे आप नौकरी वहाँ। गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ माँ। हम चले जाएंगे बेटा बस में। पहला लिस्ट आउट हो गया। नमस्ते भैया। 55 में से खाली 12 नाम क्लियर किए। फंड्स का क्या हुआ? चेक साइन नहीं किया अभी तक। बहुत भारी पड़ेगा चाचा जान। टाइम खराब है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं कि वो चंद्र प्रताप जी से कनेक्ट करते हैं। ही इज द फेस ऑफ आवर पार्टी। मंत्री पद के दावेदार। Why not? यह निर्णय आपका नहीं, पार्टी का होगा। You shut up. चुप। आप रहेंगे। ये पार्टी का दफ्तर है, आपके घर की जागीर नहीं।
यहाँ की मर्यादा का ख्याल रहे। तो आप पढ़ाएंगे हमको मर्यादा का पार्ट, मिस्टर बैकवर्ड और माइनॉरिटी सांसद जी। पार्टी फैसला कर चुकी है, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। अगर आपको ये चेहरा पसंद नहीं है तो जनता सिर्फ एक चेहरे को जानती है, सिर्फ एक आवाज पहचानती है, और वो है भानु प्रताप। और उसके बाद उस स्थान का सही उत्तराधिकारी कौन होगा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी उसे पहचानने में कोई भूल नहीं करेगी। वीरेंद्र, ये फैसला उनकी सहमति के बाद ही लिया गया है। कब लिया बाबूजी ने फैसला? आज सुबह ही कार्यकारिणी के सदस्य मिले थे उनसे। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे, कैसे हमारे 55 की लिस्ट में से सिर्फ 12 नाम पास होते हैं, कैसे फंड के नाम पर हमारे हर डिमांड को नकार दिया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, ये रवैया पार्टी के हित में नहीं है। जनता इस फैसले को नहीं मानेगी। बरखुरदार, अब यहां फैसले मैं किया करता हूं, और बेहतर होगा कि आप उनका पालन करें। बेटर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। फॉल इन लाइन, वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। बस वीरेंद्र प्रताप, आखिरी चेतावनी, जो संविधान तुम्हें इसको सदस्य बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी तुमको पार्टी से सस्पेंड करने का अधिकार देता है। सर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वीरू जी, आप उन्हें इस तरह से सस्पेंड, आप बताएंगे हमें? देख रहे हैं हम, काफी लोग यहां 20-20 खेलने में लगे हैं। लगता है कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना पड़ेगा इस चुनाव के मैच से। अरे बेटा, तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो गया? या चुके पापा। आपको क्या, जब से आए हैं दो मुंह बात भी किया? क्या करें, तुम देख ही रही हो, टाइम है अभी। समर का सामान हमारे ही गाड़ी में रखो। जी सर। हम छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट पर। आप जाएंगे? पापा ये यू डोंट हैव टू डू दिस। कम, इस बार सचमुच तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया। सब ठीक तो है वहाँ? कैसा चल रहा है तुम्हारा पीएचडी? रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, बस सबमिट करना है अगले हफ्ते।
अगले हफ्ते? या पापा, I'm done with my PhD. Fantastic. तो अब हम आपको डॉक्टर समर प्रताप कहकर बुलाएंगे. जरा फिर से बताना तुम्हारा थीसिस का टाइटल, मैं अक्सर भूल जाता हूं. The subtextual emotional violence of 19th century Victorian poetry. Wonderful. सुनकर बड़ा अच्छा लगता है. तो अब आगे क्या प्लान है? एक टीचिंग जॉब की ऑफर. मतलब तुम वहीं रहोगे? चलो ये भी ठीक है, हमारे खानदान में कोई टीचर नहीं हुआ आज तक. पापा आप जल्दी जाइए, ऑल दिस सिक्योरिटी थिंग इज टू मच. मैं चला जाऊंगा. मैं आता हूँ ना तुमको अंदर. नहीं पापा प्लीज, यू आर ब्लॉकिंग द ट्रैफिक ऑल्सो. ओके बेटा. अच्छा कम गिव मी अ हग, पता नहीं कब देख पाऊंगा फिर तुमको. अब ये इलेक्शन क्या बात है बाबूलाल? बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल से फोन आया था, हम वहीं जा रहे हैं. डॉक्टर से बात कर रहा हूं, हमारा पहुंचते ही. जी पहले हॉस्पिटल ले लो. मोरा पिया मुंह से बोलत बोलत ताकतवर राजनीतिक परिवार को एक और बड़ा झटका. अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार एक दिल दहला देने वाली घटना में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंद्र प्रताप पर जानलेवा हमला हुआ है. कहा जा रहा है कि यह हमला कुछ ही मिनटों पहले एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली रतनपुर रोड पर हुआ. हमले के वक्त श्री चंद्र प्रताप अपनी गाड़ी में सवार थे. ये भी बताया जा रहा है कि उनको गोली मारी गई है. घटना के बाद से इस सड़क पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है. गोपाल जी आपसे बात करना चाहते हैं. मामा जी क्या हुआ? हाउस पापा? हाँ हॉस्पिटल पहुंच गया है. तुम वहीं पर एयरपोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ. मामा जी देर हो जाएगी, मैं टैक्सी ले लेता हूँ. जिन्होंने भी ये किया है उनको पता है तुम एयरपोर्ट पे हो. घर के टीवी का केबल बंद कर दो. जी सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर, दीदी को पता नहीं लगना चाहिए. जी चाहे किसी की भी हो गाड़ी गेट के बाहर. Take it out, police wallet!
टैबलेट सर, गले में लगी है। ही इज वेरी क्रिटिकल, ब्लड लॉस बहुत हो चुका है एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। हॉस्पिटल सिक्योरिटी का? आई हैव नो आइडिया सर। अरे डीजे को फोन लगा। तो तुम लोग आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो, और आदमी सबको बुलाओ। चल कॉर्डर खाली कर। क्या हुआ रे? हेरिंग जा रहे भैया जी, उठा नहीं रहे। अजय देवदत्त को फोन लगा। सिक्योरिटी क्या कहा? लाइसेंस चेक करो सबका। तो फुर्सत मिल गई कोटे से एसपी साहब, चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए, यहाँ जरूरत नहीं खाकी वर्दी। सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहा ना बाहर निकले। पुलिस को अपना ड्यूटी करने दो मिस्टर पुत्रराज, वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हाला अभी आया ड्यूटी दिखाने। अरेस्ट कर साले को, अरेस्ट हिम, खींच के ले जाओ इसको। मेरे को अरेस्ट कर? तू मेरे को अरेस्ट करेगा साले पढ़वे? हाँ साले रंडी बास, तू मेरे को ऐसा छोड़ काटा लूँ ऐसे साले? हाँ मेरे को अरेस्ट करेगा बिकम साले? हाँ ये क्या कर रहे आप लोग? ठीक है आचना में से क्या कर रहे हैं? ड्यूटी दिखा रहे हैं सर। यू कैन नॉट डू दिस। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हाँ साले करेज कर, देखता मैं तेरे क्या कर रहा करता है मेरे को। हाँ साले I can't do anything. अरेस्ट कर इसको भाई। तूने छोटा को मारा, काट डालूँगा। एसपी शर्मा। Sorry. तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, काट डालूँगा। Sorry. Fast the forceps. इंक्वायरी का मांग कर दिए हैं हम, बच नहीं सकता चाहे कोई भी। ऐसे में पार्टी का कमान हमको अपने हाथ में लेना होगा। बाबूजी आज्ञा दीजिए। आग लगा देंगे राजधानी को अगर 24 घंटे में पकड़ा नहीं गया तो। हमारे लोग भी लगे हुए हैं पृथ्वी। वहां कैसे? ऊपर से तो हिम्मत दिखा रही है लेकिन FIR इसमें शर्मा ने खुद लिखवाई थी, 353, 336 और 307 लगाई है, लेकिन बेल मिल जाएगी। हमने सर्च रिपोर्ट में लिख दिया है सर, आरोपी की बॉडी पर कोई भी वेपन नहीं मिला है। किसी बात का तो अफसोस रह गया साला, हाथ में गन होता तो हम उसे। पृथ्वी हाँ जी, वो एसपी शर्मा को कोई दूसरा नहीं छोड़े, उसका हिसाब हम खुद करेंगे।
कर दी है दोस्त। बदल डाला पोस्टर। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर। अब वो लोग आपके अंकल के मर्डर में भी हम पर डाउट कर रहा है। अगर बेल मिल गया उसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमको। आप चार्ज सब ठीक से लगाए नहीं सर। 376 लगाना था और ऊपर से 341 भी ठोक देते सीधा आपकी कस्टडी में। 376 रेप की दफा ही है। करेक्ट। बताइए किस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करावे एसपी साहब? मगर ये एकदम जेन्युइन केस है एसपी साहब। पार्टी टिकट के नाम पर लगातार 3 साल तक पृथ्वीराज इनका यौन शोषण करता रहा। सीरियस चार्ज है। कहीं बैकआउट तो नहीं करोगी? एसपी साहब बहुत टॉर्चर से गुजरे हैं हम। अब जाकर सही ठिकाना मिला है। यहाँ टिकट जरूर मिलेगा। धोखा का तो सवाल ही पैदा नहीं। खुलासे में पहले से ही पुलिस ऑफिसर पर हमले के आरोपी पृथ्वीराज प्रताप को आज एक महिला पार्टी वर्कर के रेप के लिए चार्ज किया गया। कोर्ट ने उनके जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। मैं पृथ्वी पर उठ रहे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। हम उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे सुप्रीम नेता भानु प्रताप आज भी जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कल चंद्र प्रताप आज ही है। हम पर लगातार आघात किए जा रहे हैं और सरकार जांच समितियों की आड़ में कमी बनी है। लेकिन जनता जवाब मांगते इस पे साइन करें। पागल हो गया तू? कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तू घर जा, माँ का ख्याल रख। हमको मालूम है कैसे डील करना है इन लोगों के साथ। मगर पहले यहां से निकलोगे तभी कुछ करोगे ना। हाई कोर्ट ने तुम्हारा बेल रिजेक्ट कर दिया है पृथ्वी। रेप के मामले को लेकर मीडिया और महिला आयोग काफी तूल दे रहे हैं इसको। हाँ, मगर इस पे साइन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो मुझ पर छोड़ दो भैया। ट्रस्ट मी, मैं निकालूंगा तुम्हें यहां से। बहुत बड़ा गलती हो गया बाबूजी हमसे, मगर आप ही का आसरा है। छोटे हम, मगर माफी का हक तो बनता ही है ना। सॉरी। ए शर्मा, पागल हो गया क्या? अरे हमारे भाई हैं, मामा हैं। आइए मामा जी। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब। लगता है नजर लग गई किसी की हम पर। तो भी कैसे टाइम पर आया इस बार। लेकिन तू चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे हम। पार्टी भी और परिवार भी। सूरज है अपना ही है। चाची माँ कैसी? बैठना। माँ को मैं न्यूयॉर्क ले जा रहा हूँ। सही डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। तू पृथ्वी की चिंता मत कर, हम जमीन आसमान एक करके उसका बेल कराएंगे। उसके बिना ये इलेक्शन बिल्कुल। भैया इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो भी साथ जा रहा है हमारे। भैया ने पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, वो अब न्यूयॉर्क से नहीं लौटेगा।
पार्टी पूरी तरह तुम्हारी रहेगी। बस एक शर्त है, भैया पर सारे चार्जेस खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करना पड़ेगा। एक और बात, परसों भैया की कोर्ट में पेशी है, इन 3 दिनों में पुलिस कस्टडी में उसको या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की दुर्घटना में कोई भी आघात पहुंचता है तो मैं यह समझौता तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबूजी आपको पृथ्वी को पार्टी से निकालना ही होगा। बस गद्दार है वो बाबूजी, पार्टी में रह के पार्टी को बर्बाद कर देगा। प्लीज अपने बेटे के लिए उसे निकाल दीजिए। पृथ्वी को अगर निकाला तो वो पब्लिक का संपत्ति ले जाएगा। बाबूजी उसको टॉलरेट करना मेरे लिए जहर पीने के बराबर है। उस बाप बेटे ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। I hate that man. बेटा, ये राजनीति है, यहाँ दुश्मनों को अपने करीब रखो। असली दुश्मन पृथ्वी नहीं,
समर है। ये तो होना ही था मामी। हाँ, बहुत पुराना खिलाड़ी है भानु प्रताप। जानता है कि इस्तीफा मंजूर करता तो पृथ्वी शहीद बन जाएगा। ये देखा आपने, माधोपुर में विराट रैली बुला रहे हो, अपने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अनाउंस करेगा। नमस्कार। लोहा गरम है। हमारा नाम समर प्रताप, सबसे छोटे हैं हम और आप सबको प्रणाम करते हैं। इस्तीफा दे चुके हो तो पृथ्वी प्रताप किस हक से लड़ो? उसे रद्दी के टोकरी में फेंक दो। हमें जनता के सामने निकाल के दिखा। भानु प्रताप जी, आपका यह अरमान भी पूरा हो जाएगा। हमेशा मुझे राजनीति से दूर रखा और आज भी मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ, बस ये जानने आया हूँ आपसे कि जिसने अपने बड़े भाई की आज्ञा पर आपकी सेवा में अपनी जान दे दी, उस चंद्र प्रताप का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? बताइए कि अपने दम तोड़ते बाप के सामने एक झूठे षड्यंत्र में पुलिस जिसे घसीट के लेकर गए, उस पृथ्वीराज प्रताप के संघर्ष का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं, और माधोपुर की जनता ने हमेशा इंसाफ किया है। फैसले की घड़ी आ गई है और आज इस कठिन घड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत कंधों की जरूरत है। गरीब का दर्द समझे, उसकी इज्जत के लिए लड़े और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए जान भी दे। आप सब जानते हैं कि वो कौन है और आज उसके इरादों को और भी पक्का करने हमारे साथ मौजूद है भैया वीरेंद्र प्रताप, दलित नेता सूरज कुमार और हम सबके पूज्य ब्रिज गोपाल जी। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो है आपका अपना पार्टी के सभी को बचाने के लिए बड़े दुख के साथ हमने पृथ्वी प्रताप को राष्ट्रवादी पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया है। जय
जैसा चाहता था तो वैसा ही हुआ। हमारी ही पार्टी से हमको निकालकर वो लोग सोचते हैं हमें बेघर और अनाथ कर देंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं वो लोग। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकाल दे? हम तो यहां घर बनाकर बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। सारे नंबर है हमारे पास, और ये रहे सभी सीटों पर नंबर 1, 2 और 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट। समर नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए 9 दिन भी नहीं बचे हैं, और हमारे नई पार्टी का नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है अभी। आई नो भैया, आपने अपने कॉलेज के जमाने में एक मोर्चा रजिस्टर किया था। प्रभु राइट अवे सर। आपकी नई पार्टी का नाम, यू आर अ यूथ सिंबल भैया, एंड दैट विल बी योर पीपल। बहुत मान है आपका हमारे बीच में, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमेशा हमारी कौम ने धोखा ही खाया। मानता हूं आरिफ भाई, लेकिन हालात वो नहीं रहे अब। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर? भरोसा तो है, लेकिन ब्रिज भाई आप भी मानते हैं कि सियासी हालात कितने नाजुक हैं। मुसलमान अभी मुट्ठी नहीं खोलेगा। समझता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। नमस्कार। अच्छा खुदा हाफिज़। फी अमानुल्लाह। मामा जी, सपोर्ट इनका जरूरी है। हमारी 132 कॉन्स्टिट्यूंसी में 33% वोटर्स तो मुसलमान है। एक मुश्त वोट करते हैं और इनका वोट बिका भी नहीं होता। हाँ, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी मुसलमान तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। पर मामा जी, जो बाकी 2-2, 4-4 सीटों वाली रीजनल पार्टी को भी खींचना होगा। लेकिन कीमत ऊंची लगा रहे हैं, हो जाएगा। सबका कंफर्मेशन आ चुका है। क्या ये पार्टी के जितने बैंक अकाउंट और दूसरे भी फंड के खातों से पृथ्वी प्रताप का सिग्नेचर कैंसिल करवा दिया गया है? बस पैसे पैसे को तरस जाए। बाबूलाल जी, वो लिस्ट दिया था व्यापारियों का? हाँ जी, सबको फोन कर दिया। लड़ एक माह के इलेक्शन। तीन लाख का भीड़ टारगेट करना है इसका। लाखों का भीड़ और दे रहे हैं चिड़िया का खुराक। अरे नाश्ता पानी करवाइए, बाकी भिजवाते हैं। नेताजी, पब्लिक रैली में उधार नहीं, एडवांस चलता है। आली फोकट में टाइम खराब मत कीजिए आप लोग। करवाते हैं, करवाते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। पार्टी को तो हम अपना चंदा पहले ही भिजवा चुके हैं ब्रिज गोपाल जी। अब वो पार्टी तो खत्म हो गई है, मैं पृथ्वी प्रताप की बात कर रहा हूँ। आपके अगले CM तो वही होंगे। ईश्वर करे आपकी बाणी सही उतरे, हम लोग हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। लेकिन इस मंदी में डबल बोझा मत डालिए। अब आप खुद ही आ गए हैं तो हमारे तरफ से ये आप रख लीजिए। लगता है कुछ एक जीरो कम पड़ गए हैं। हम रसीदे तो 5 करोड़ की लाए थे, आप 5 लाख का सहयोग देना चाहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है, ये नहीं ले जा सकते हम, लेकिन रसीदे छोड़े जा रहे हैं। लगता है अचानक राजनीति का छूत बन गए हैं हम लोग। राजकुमार सक्सेरिया से बात किया है, उसी के पास जा रहा हूँ। मामा जी, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में पृथ्वी भैया प्रताप लगेगा। तुम्हारे पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, देखते हैं। आज ही बड़े साहब के दर्शन के लिए जाएंगे, और आप बेहिचक फोन कर दीजिए कभी भी कुछ भी हो। बस अंकल, अभी तो जो कहा है वो करवा दीजिए।
हाँ हाँ 50 करोड़ तो आज शाम तक ही मिला दूंगा चिंता। ठीक है चलते। अरे आप नमस्ते ब्रिजोपाल जी, कैसे आप? चलिए ना अंदर चलते हैं। नहीं बस ऐसे ही आ गए थे हाल चाल पूछने। इंदु बेटिया को नहीं देखा बहुत दिनों से, कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलता हूँ। Supposed to return 3 weeks ago and my father was shot dead, remember? Don't talk to me like that, Summer. Look, I'm sorry, it's just that it's been... I check my phone 50 times a day seeing if you've called. You never have. The only news I get is off the net. Listen, I can't talk right now. I'll be there as soon as I can, okay? I'm coming there, Summer. No, you're not. Sarah, please, listen to me. The time is not right and I have some serious priorities here. And obviously I don't figure into them. Thanks, Summer. समर भी ऑफिस में है, खबर करें। हम आंटी से मिलने आए हैं। शादी क्यों नहीं कर लेती तुम समर से और फिर रह जाती हमेशा के लिए मेरे पास? आपके पास रहने के लिए हमें किसी से शादी नहीं करनी। क्या कह दिया तूने इंदु को? कुछ नहीं आंटी, छोड़िए, हम ऐसे ही ठीक है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या? I've been a fool, इंदु। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं, मुझे भी अच्छी लगती हो। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, तब मुझे पता नहीं था इंदु, कंफ्यूज था। I'm sorry. माँ मुझे मंजूर है, तुम इनके पिताजी से बात कर लो। देखो बहुत मारूंगी अगर मजाक किया तो। लो अभी से मारपीट की बात। ए माँ, दहेज में एक एम्बुलेंस मंगा लेना, पता नहीं कब हॉस्पिटल जाना पड़े। कमाल का रेस्पॉन्स मिला है पृथ्वी जी को, और मीडिया मैनेजमेंट एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। भाभी जी, आपका जो दूसरा बेटा है ना समर, वो हीरा है, हीरा। उसी हीरे के लिए अंगूठी मांगने आई हूँ आपसे। क्यों शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो आप ही का है। थैंक यू। इंदु बहुत प्यारी है मुझे, हमारे समर को बहुत खुश रखेगी वो। बरसों से इसी बात का तो इंतजार था कि कब समर इंडिया वापस लौटे। वैसे एक बात कहूँ आपसे, समर में मुख्यमंत्री बनने की बहुत काबिलियत है। नहीं, मुख्यमंत्री तो पृथ्वी बनेगा, समर बस उसकी मदद कर रहा है। चलिए ये भी ठीक ही है, लीडर तो आखिर पृथ्वी ही है। आप समर को आजादी रहने दें, मेरी बेटी का हाथ आप पृथ्वी प्रताप जी के हाथ में दे दी। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, असंभव है ये। और फिर इंदु बेटी तो समर को ही पसंद करती है। आप इंदु की चिंता ना करें, मेरी पसंद ही इंदु की पसंद है। अब आप देखिए ना बहन जी, मैं अगर मुख्यमंत्री की पार्टी को फाइनेंस करूंगा तो ये भी तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से मेरी बेटी की शादी हो, और फिर बिटिया आएगी तो आप ही के घर ना। पागल हो गया तू, अलबल जो मुंह में आ गया बक दिया। सोच भी कैसे सकता है तू कि मैं इंदु से शादी करूंगा? समर ठीक कह रहा है पृथ्वी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ता है मामा जी, हमने सोच लिया, बस समर मुख्यमंत्री बनेगा। क्या हुआ जो हम गद्दी पर नहीं बैठे, तो हमारा भाई बैठेगा। रिडिक्यूलस भैया। एक सेकंड समर, तू क्या सोचता है तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? मैं कुर्बानी नहीं दे सकता तेरे लिए, याद रख। परवाह नहीं ऐसी कुर्सी की जो तेरी खुशियां कुचल दे। भैया मेरी खुशी बस इस बात में कि तुम मुख्यमंत्री बनो और सच जाना चाहते हो।
से प्यार नहीं करता, तो तू रिश्ता क्यों ले गया वहां? तुम्हारे लिए, सिर्फ सक्सेरिया अकेले तुम्हारे इलेक्शन फाइनेंस कर सकता है। अरे भाड़ में जाए उसका पैसा, तू मेरा छोटू है, हम ऐसे ही लड़ लेंगे इलेक्शन। अब वो रास्ता भी नहीं बचा, अगर हम हाँ नहीं करते हैं तो वो वीरेंद्र को सपोर्ट कर देगा और इंदु की शादी उससे करवा देगा। इंदु दिल की बहुत अच्छी है भैया, शी लर्न टू लव यू, और मैं जानता हूं तुम भी उसे बहुत खुश रखोगे। तुम इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बाद में बात करेंगे। हमारी लिस्ट की Why are you doing this to me? क्यों? आइए जी, जी बगल वाले कक्ष में बैठते हैं। I'll handle this, भैया। प्यार नहीं करती हो हमसे, मत करो, शादी नहीं कर सकती, मत करो, लेकिन हमारी जिंदगी से खेलने का क्या हक है तुमको? तुम शायद भूल रही हो कि मेरी कहने से मेरी माँ ये रिश्ता लेकर गई थी तुम्हारे घर। तो क्या हो गया जो मेरे बाप ने उल्टी बात की? मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, उनका घर दौलत सब कुछ छोड़ दिया मैंने, तुम जहाँ ले चलो जैसे रखो मुझे परवाह नहीं है। समझ, आई कांट मैरी एनीवन एल्स, I can't live without you. इन हालातों में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं समझ, चुप सीधा अपना फैसला वापस ले लो। अपने भाई के राजनीतिक भविष्य के साथ नहीं खेल सकता मैं तो। और मेरी जिंदगी, उसके साथ तुम जैसे चाहो खेलो। मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल नहीं रहा हूं, उसे बिखरने से बचा रहा हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर हमने भैया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी वीरेंद्र प्रताप से कर देंगे। समझने की कोशिश करो इंदु, तुम्हारी नजर में प्रीति चाहे जैसा भी हो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, और फिर माँ है यहां, बहुत खुश रहोगी तुम इस घर में। समझौते बस हमें ही करने पड़ते। सक्सेरिया चाहे जितना भी माल लगा ले, तुम्हारा भाई मुंह की खाएगा इस इलेक्शन में। हार का डर पूरी तरह झलक रहा है आपके चेहरे पर। मामा जी संभालिए वीरू भैया, एंजॉय द इवेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वज। खुली किताब है। दरअसल आपको कहीं और होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते। बैठिए बैठिए। सर, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? फंटास्टिक। मैं 7 दिनों में 200 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। आप खुद देख सकते हैं जनता कैसे हमारे साथ जुड़ रही। सुनने में आया है आपकी पार्टी की इलेक्शन के लिए पूरा कैश राजकुमार सक्सेरिया दे रहे हैं। देखिए, हमारी तो नई पार्टी, मदद करने वाले सभी को। अपनी बेटी इंदु की शादी में कितना दहेज दिया उन्होंने। देखिए, अगर हम चुनाव संबंधी प्रश्न करें तो ठीक। ये सवाल तो सभी कर रहे हैं कि कैसे इंदु के जब खुलेआम संबंध आपके छोटे भाई समर प्रताप से थे तो शादी आपसे। ये मेरा पर्सनल पारिवारिक मामला। तो बस इतना बता दीजिए कि इस विवाह में किस तरह की कॉम्प्रोमाइज हुई है, और क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब आप अपनी कैंपेनिंग के लिए सड़कों की धूल फांक रहे हैं तो आपकी पत्नी आपके छोटे भाई के साथ संबंध नहीं रख रही है? शट अप। ये क्या कर रहे हैं? सवाल किया, इसका अंजाम तो भुगतेंगे। पृथ्वी प्रताप पर पहले ही पुलिस के एक आला अधिकारी से हाथापाई और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। हमने उनके इस व्यवहार के बारे में अन्य लोगों से प्रतिक्रिया ली। सर, एक और बात प्लीज। सूरज जी, पृथ्वी प्रताप की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? हमें उनके साथ बहुत सिंपति है, मजबूरी में शादी करनी पड़ी है, ऐसे में मेंटल बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, और लगता है इलेक्शन का दबाव वो झेल नहीं पा रहे। समर भैया को हम लेके जाएंगे। पहचानो कौन? कौन? This must be Summer's mom, right? Absolutely. समर की दोस्त है सारा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। And this is समर सिस्टर इन लॉ इंदु। भैया आपने बताया नहीं कि ये आ रही है। अरे कैसे बताता, सुबह 3 बजे फोन आया इसका एयरपोर्ट से। सारा? Explain everything. You'll just have to trust me. Do you still love me, Summer? What kind of a question is that? Do you love me?
course I love you. Very much. Then you don't have to worry about me. I trust you completely. जानती नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते. इंदु, प्लीज लिसन टू मी. नो, यू लिसन टू मी. तुम बस इस्तेमाल करना चाहते हो. इस समर को तो हम पहचानते भी नहीं. द डार्कनेस दैट आई सी इन योर हार्ट, समर. मैं अपने पापा का शुक्रिया करती हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा भाई जैसा भी है उसका दिल सच्चा है. तुम कभी समझ नहीं पाओगी इंदु. इतना तो समझते हैं समर कि जो हमसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया करते. सारा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए. पार्टी का प्रचार अभियान तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है. आज बीरपुर जिला राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव प्रचार से सराबोर रहा. कई जगहों पर पार्टी की रैलियां हुई और पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप और महासचिव सूरज कुमार ने रोड शो भी किए. जनता की उपस्थिति को अगर पैमाना माना जाए तो ये प्रचार अभियान बेहद सफल हुआ है. मीडिया पहले से ही सूरज कुमार को दलित सम्राट की उपाधि दे चुका है. जिस रफ्तार से उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाए हैं और साथ ही उनकी युवा और बेबाक छवि की वजह से प्रदेश का पिछड़ा और दलित समाज अभी से उन्हें अपना नेता मान चुका है. राष्ट्रवादी पार्टी में उनके आने से दलित वोटों का सपोर्ट तय माना जा रहा है. बच्चा बच्चा का जबान पर बस आपका ही नाम. एक तरफ आप पुराने गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीटों का खुलासा भी नहीं करते. अब क्या जवाब दें हम हाईकमान को? भानु, मुझे आज शाम तक सीटें डिक्लेयर करनी है. ना ना जी, सीटें हारने के लिए चाहिए तो बोलिए. वीरेन, प्रजातांत्रिक नेशनल पार्टी है, कठोर फैसले लेने पे मजबूर मत करो हमें. ना ना जी, प्लीज प्लीज, आप मत भूलिए कि हम ढो रहे हैं आपकी राष्ट्रीय सवारी का बोझ. पिछली बार 12 एमएलए थे आपके और मुख्यमंत्री बना दिए. करने वाला समझिए कि हम आज भी 6 सीटें देने को तैयार हैं. फैसला आपके हाथ में. वरुण, दोष को दो. सब हार जाएंगे बाबूजी, चांस नहीं ले सकते. भर गठबंधन टूट जाएगा. इससे कहो 20 सीटें दे दे, हर सीट के 2-2 करोड़ पहुंचा दूंगा, पूरे 40 करोड़. 50. चल जाएगा टाइम आने पर. सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है. हर चीज उसके फेवर में हो रहा. समर भैया, राष्ट्रवादी का वोटर नहीं टूटा तो बाजी निकल जाएगा हाथ से. समर भैया, कोई रामबाण चलाइए अब तो. हाँ बाबूजी, कुछ काम बोला था तुमको बाबूलाल. आपका काम इतना आसान भी तो नहीं है ना बाबूजी. आखिर ईमान धर्म में तो कोई चीज होता है. हाँ, डिस्टर्ब किया तुम्हारे आराम को, क्षमा करना. टाइम खराब है सर. ईमान धर्म की बात कर रहा है. अब डाकू का धर्म क्या होगा? बोल. Hey.
हाँ बाबूलाल, हम सोच रहे थे कल तुम कुछ ईमान धर्म की बात कर रहे थे। वो तो हम देख ही रहे हैं बाबूलाल। खैर अब तुम ही बताओ कहाँ भिजवाए तस्वीरें हम। बेटा गए थे समर भैया, माफ कर दीजिए। मैं एक बार साथ माफ कीजिए। समर भैया टाइम खराब आ गया है। The man needs some help. What's this? एक वही सब है जो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सारी दुनिया को बता दीजिए। लेकिन अरे सांझ को आज क्या बाबूलाल जी, हम हैं ना, डरिए मत, कुछ होने नहीं देंगे आपको। आइए, भरोसा नहीं है हम पर। राजनीतिक इतिहास में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहे हैं, लेकिन आज जो सनसनीखेज खुलासा हो रहा है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी पार्टी के पुराने वफादार श्री बाबूलाल जी। पच्चीस वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बाद आज मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि राष्ट्रवादी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। जब भानु प्रताप जी की सरकार थी तब उनके बेटे वीरेंद्र प्रताप जी का हर सरकारी ठेके में हिस्सा फिक्स था। उन्होंने हजारों करोड़ हिस्से में दिए। पार्टी फंड में जो पैसा आया वो भी पूरी तरह से उनके कब्जे में। जब से सूरज कुमार पाठक के महासचिव बने तब से ये पैसों की राजनीति पार्टी के अंदर जोर पकड़ रही है। जहां कहीं भी उठवाओ इसको, घरों में औलाद। मैंने आदमियों को भिजवा दिया है। तड़पा कर मारेंगे साले को। राष्ट्रवादी वीरू भाई जल्दबाजी ना करें, इस समर की चाल है। जरूरी है कि बाबूलाल अपने बयान से खुद पढ़ लें। जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबूलाल जी, बैठिए। आपकी सिक्योरिटी अब हमारी जिम्मेदारी है। बस एक बात पूछनी थी आपसे। उस रात एयरपोर्ट पर जब आपने बाबूजी को फोन किया था, किसने कहा था आपसे फोन करने को? ये अब क्या पूछ रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किसने कहा था फोन करने को? फोन हम नहीं किए थे फोन। बाबूलाल जी, आप हमारे अपने, बहुत आदर सम्मान है आपका हमारी आंखों में। प्लीज हमारी इंसल्ट मत कीजिए। सर का हम पैर पड़ते आपके, ये सवाल आप हमसे मत पूछिए। किसने फोन करवाया था हमारे बाबूजी को, वीरेंद्र प्रताप या सूरज? साबित कर दिया कि आपकी
कितने वफादार हैं, बिल्कुल अपने। बस आपका हाथ मेरे सर पर लगे। बिल्कुल जबान दी आपको, ये लीजिए आपका फोन। हमने अपना पर्सनल नंबर रजिस्टर कर दिया है इसमें, हमेशा आपकी कॉन्टैक्ट में रहेंगे, एनी टाइम एनी टाइम। परिवार थे हमारे, अपने थे बाबूलाल जी, इस पार्टी की आत्मा से जुड़े थे। बाबूलाल जी की हत्या महंगी पड़ेगी उनको, बहुत बखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। स्कैंडल्स और खोद खोद के
कीचड़ उछाल रहे हैं हम, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अरे एसपी शर्मा साहब, छुट्टी पर से लौटो और कुछ जलवा दिखाओ। बात होती है, कोर्ट में कल पिटीशन फाइल होगा और पृथ्वी के रेप वाले मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोलेगा। देख लेना, he'll be behind bars. इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दे रहा है कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को डिस्क्वालीफाई करो। वो तो ठीक है वीरू भाई, लेकिन इलेक्शन तो हम जनता के समर्थन से ही जीतेंगे और वो हमें मिल भी रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं गलत सूरज, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोले। इंस्पेक्टर भोला सिंह है लाइन पर, बोलता है अर्जेंट है। हेलो जी, प्रणाम सर। शिकार आया हुआ है छतरपुर में, मेरे भैया के पास मौजूद है, सिक्योरिटी में शामिल हो गए। हाँ जी, क्या करना है? अपने आदमी को उठाओ, हम आते हैं। छतरपुर फांस लेना। रह गया तूने किया जादू। क्यों शर्मा जी, कहाँ छुप रहे थे? बड़ी लंबी छुट्टी लेकर हमने तुमको बहुत मिस किया। गलती हो गया यार, तू थप्पड़ बड़ा तगड़ा मारता है। सच्ची एक सैंपल देना। भारी गलती हो गई, माफी मांग लिया था हमने ब्रजगोपाल जी से। कैसा लगा, मजा आया ना? बिल्कुल सही किया बाबूजी आपने, हम इसी के लायक हैं, मगर आगे से ऐसा मौका नहीं देंगे। देखिए वो लेडीज वाला मामले में भी हमें आपके आपका चार्ज क्लियर करवाया। हाँ, वो लेडीज वाला मामला अच्छा याद दिलाया तुमने, उसका भी हिसाब करना है। हम लेके आएंगे उसको आपके पास जब आप बोलेंगे। अच्छा आइडिया, चल फोन लगा उसको। शर्मा जी कैसे याद किया, कहाँ है आजकल? बॉस को मिलने आया था, मीटिंग में याद कर रहे थे। कहाँ तुम? बस थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे न्यू मार्केट में। हा? न्यू मार्केट? ए, फोन लगा जी। नत्तूर बल्लू को उधर ही होंगे। उधर ही रुकना, तुम गाड़ी पे भेजते हैं। जी अच्छा ठीक है। I love this one. The silk is from Banaras. सब हाथ का बना हुआ है। All handcrafted. चलो 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 चल
हाँ बोलो। समर भैया यहाँ अपने लोग सब आए। कौन लोग? एक बल्लू को पहचाने सर, बड़े भैया के साथ। तुम आके चलो। हाँ छोटे बोल। हैव यू गॉन क्रेजी भैया? अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है मत करो कोई उल्टा सीधा काम। काम तो हो गया छोटे। फिनिश। उसकी शक्ल देखने लायक थी भैया। प्लीज जस्ट लिसन टू मी। एक मिनट, एक और टिकट काटना है, देखो फोन कर दूंगा। आप निकलो वहां से भैया जल्दी। I'm sending some guys to clean up. कैसे रहे तुम? अब बोलना कहाँ का टिकट तो? सीतापुर का या जन्नम का? आजादी है यहाँ प्रेस की, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मीडिया की आजादी है, लेकिन याद रखिए आपकी आजादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। I've seen him around here somewhere. You're in shock, Sarah. You need some rest. The police will look into it. Come. Inspector Singh bol raha hu, sir. शर्मा जी का मर्डर 4 बजे के करीब हुआ है। बॉडी पर ड्रग्स का पैकेट सभी मिला। साफ करवा दो सब। जी, वीरू भाई को रिपोर्ट देने जा रहे हैं। नहीं, तुम छोड़ दो, हम खुद बताएंगे। जी। जी सारा, यू गिव मी अ स्टार्ट। Insult me by lying to me, Summer. Those goons who kidnapped that woman, they were your brother's men. You knew that. And you killed Babalal. You stay out of this, Sarah. This is politics. Right. And you've become a ruthless, conniving politician. This is what you believe, then I've nothing more to say to you. You don't have to dismiss me, Summer. I was coming to tell you that I'm leaving. Sarah,
I've seen enough politics and violence, Summer. You seem to forget that I grew up in Ireland. I saw my father and my brother killed when I was 6 years old. My child is not going to face that. Ever. Child? Wait a minute, are you saying that you... I'm pregnant. Wow, sweetheart, that's terrific. Please don't. Don't. Please. I'm leaving. I'll come with you. चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी के एक साथ इतने नॉमिनेशंस रिजेक्ट किए गए हों। चुनाव आयोग का कहना है कि उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशंस गलत फाइल किए थे। कागज तो सब सही जमा हुआ था वीरू जी। जी, सब कुछ ऑर्डर में था। घंटा ऑर्डर में था। जहाँ ओरिजिनल जमा करना था वहाँ फोटोकॉपी और एफिडेविट तक में आपका दस्तखत नहीं था। बिना लड़े 17 सीट गवा बैठे। किसकी साइड में आप लोग? हम जानते हैं किसके साइड में ये लोग और कौन करवा रहा है ये सब। क्यों किया ऐसा? क्यों? फांसी पे चढ़ा लीजिए बीरू जी, मजबूर किया गया था हमको। फांसी पे चढ़ने के लायक बचेगा तब तो सब। चलिए चलिए यार। 23 थे तो बस 17 कैसे रिजेक्ट? वो सूरज के ग्रुप वाले 6-6 बैकआउट हो गए। ओपिनियन पोल रिजल्ट्स सर, पहले राउंड की 73 सीटों में से 40 से 45 थमे मिल रहे हैं। बकवास कर रहे हैं सब। 73 में से 52 सीटें लेंगे इस बार।
छोटे भाई समर प्रताप ने पृथ्वी प्रताप के पॉलिटिकल कैंपेन को नई ऊंचाइयां दी। गांव, शहर, गली कूचे, बाजार, दुकान, पूरे प्रदेश के लोगों में युवा नेता। इलेक्शन कमीशन ने पृथ्वी वाले मामले में हमारा पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं पहले कोर्ट फैसला करे। Been through, but I hope you can forgive Summer. It's okay, Sara. I found my happiness. Prithvi is a wonderful person. Hey there. जी सर. कहाँ जा रहे? एक मिनट में आता हूँ सर. जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है. भी तो ठीक नहीं हो रहा है सूरज की मां, सब खत्म हो जाएगा। अरे मालिक, आप सूरज का पर बात क्या है मालिक? कहां है? यही सो रहा है, तेज बुखार है उसे, उठा दे। अरे तुम देख नहीं पाओगे, अलग ही रहो तुम, ठीक है मालिक? मालिक आप कुछ तो बोलिए, ये क्या कर रहे हैं मालिक? जिस परिवार ने तुम्हें रोटी दी, सहारा दिया, जिंदगी दी, उसी को खत्म करने पे तुला। ऐसा नहीं कर सकता, यही कर दिया है।
सांप को जन्म दिया है तूने। ऐसा मत कहिए मालिक, खुद की जनी औलाद होती तो मान भी लेते, वो तो भगवान की देन है, पूरा समाज पूछता है उसको। क्या कहा तूने? हम तो निसंतान थे, 30 साल हो गया। सूर्योदय के टाइम में बनारस के सुकमनिया घाट पर एक नाव में मिला था हमको। ये इस वस्त्र में था मालिक, और ये गले में हार था। कोई नहीं जानता मालिक, हम उसको भी नहीं बताए आज तक। यहां से आगे का रास्ता तुझे अकेले ही तय करना होगा भारती। क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? एक अभागिन मां अपने बेटे से माफी मांगने आई है। आपका बेटा यहां कौन है? आपका बेटा तुम सूरज, मेरे बेटे हो तुम। देखिए आप सदमे में हैं, मुझे दुख है आपकी अवस्था पर। नहीं बेटा, ये सत्य है, रामचरित्र तुम्हारे पिता नहीं है। 30 साल पहले उन्हें तुम बनारस के घाट पर मिले थे। किस तरह का मजाक है ये? बेटा, मेरी कोख से जन्मे मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो तुम, पृथ्वी और समर के बड़े भाई। झूठ बोल रही हैं आप, समर को बचाने का नाटक कर रही हैं आप। तुम्हारे पिता भास्कर सान्याल थे, भगवान मानती थी मैं उनको। भावना की आंधी में एक दिन सब घट गया, किंतु हमारे सहयोग को अपनी भारी भूल मानकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मैं कुंवारी थी बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी लाचार थी मैं। तो आप क्यों बता नहीं आई है यहां? घर लौटा बेटा, वही जगह है तुम्हारी। समर भी खुशी खुशी मान देगा तुम्हें, और भी बल मिलेगा पार्टी को तुम्हारे आने से। बड़े हो बेटा,
गद्दी भी तो तुम ही संभालोगे। क्या कहा आपने? गद्दी। वाह, एक ही सांस में बेटा बनाया और राजनीति भी खेल गई। नहीं बेटा, मैं तो क्या सोचती हैं आप? गद्दी का लालच देकर मेरा ईमान बदल देगी? आपकी कोख से भले ही मेरा जन्म हुआ होगा, मगर रामचरित्र कुमार और शांति देवी का बेटा हूं। मेरी हर सांस में एक दलित की आत्मा बसती है। और भारती जी, जो गलती आपने की मैं नहीं करूंगा। बड़े कठिन समय में वीरेंद्र प्रताप ने मुझे सहारा दिया, मान दिया, पहचान दी। मेरी निष्ठा पर सिर्फ उनका हक बनता है। मरते दम तक उनका साथ दूंगा। नहीं हम पर बाबू जी, राष्ट्रवादी पार्टी के नाम पर हम बट्टा नहीं लगने देंगे। अंतिम जीत हमारी ही होगी। शायद वो बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। मगर तुम टूटोगे नहीं तो का सहारा है। यह सच है कि वक्त ने हम पर बड़ा गहरा आघात किया है, लेकिन यह मत भूलिए कि हमारे नेता पृथ्वी प्रताप ने जो संकल्प लिया था वो आज भी जिंदा है। भाइयों, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और ना ही अमरनाथ है। आप है श्रीमती इंदुप्रीति प्रताप, जनशक्ति पार्टी की नई लीडर। इनकी लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं बृजगोपाल, जनशक्ति पार्टी के संरक्षक की हैसियत से विधिवत श्रीमती इंदु पृथ्वी प्रताप का नाम
जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। मैं इंदु पृथ्वी प्रताप ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि आजीवन जनशक्ति मोर्चा का सदस्य रहते हुए आजीवन जनशक्ति मोर्चा का सदस्य रहते हुए पार्टी के नियमों एवं अनुदेशों का पालन करूंगी। जय जनशक्ति। जय जनशक्ति। टोटल वन साइडेड मामला है भाई, ले जाएगी बिटिया सब समेट। नमस्ते सर। प्रणाम सुरतली। कैसे चल रहे हैं? यहाँ तो सब ठीक हो गया है, मगर बाहर का खबर ठीक नहीं है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स इंदु प्रताप की नेतृत्व वाली जनशक्ति पार्टी को 150 से ऊपर सीटें दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो 207 सीटों वाली प्रदेश की विधानसभा में ये स्पष्ट बहुमत की स्थिति होगी। जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी से ही जश्न का माहौल है, वहीं राष्ट्रवादी पार्टी के खेमे में मायूसी छाई है। रिपोर्ट बताओ सुजय का। ईवीएम को लेकर शिकायतों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। हमारे बूथ का मशीन एकदम बिगड़ा हुआ था, जौन सा भी बटन दबाया वोट कहीं और ही जाता था। सारंगढ़, मनीगाछी और लोरमी सब मशीन का सेटिंग गड़बड़ कर दिया।
100%। कहाँ भैया? रात भर से बैठे बस टीवी देख रहे हैं। अर्जेंट बात है। नमस्कार, तो क्या सचमुच ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ संभव है? हाँ, अभी बात कर रहा। देखिए, ईवीएम को हैक करना कोई कठिन काम नहीं है। पोलिंग के खत्म होने के बाद मोती भाई का फोन है, बता रहे हैं कि बांकीपुर फैक्ट्री एरिया में कुछ डिस्टरबेंस देखे हैं। तो बड़ी आसानी के साथ छोटे से सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी तरह के फेरबदल किए जा सकते हैं। बोल मोती भैया, 7-8 गाड़ी में सौर भैया और उनके लोग कल रात से यहाँ आए हैं। कंप्यूटर, एंटीना और न जाने क्या क्या लेकर। सुन रहे हैं कि रिमोट से सारा बक्सा का वोट बदल रहे हैं। इसकी माँ का तो नजर रख, मैं आ रहा हूँ। पहुंचे तो लोग बाकी फुल फैक्ट्री एरिया में। जल्दी करो, गाड़ी निकालो जल्दी। कहाँ गए साहब? कुछ बोले नहीं, गाड़ी उठाए और चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी कहाँ थी? अरे कुछ तो बोला होगा। सर कुछ बताया नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। अब बोलो सूरज। वीरू भाई, कहाँ है आप अभी? बाकीपुर केबल फैक्ट्री जो बहुत बड़ी है उसके बाहर। मैं पहुंच रहा हूँ, अब गाड़ी से नहीं निकलना प्लीज। अब तो ये सारा सबर सब रोड बदल देगा मुझे। कैसी बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है ये सब करना। इम्पॉसिबल अब किसी पर भरोसा करना सूरज? यहाँ इंटरनेट और से कनेक्शन बढ़ा के हमारे सब रोड बदला साला, तुम बोलते हो। बस आप गाड़ी से नहीं निकलेंगे, मैं पहुंच रहा हूँ। अबे अकेले गोली मत चलाना, कोई भी, उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है।
युद्ध को यही खत्म करते हैं समर। बस वीरू भाई को हॉस्पिटल पहुंचाने दो, हमें फिर जहां कहोगे आ जाएंगे। फिर भी हमारी चाल तुम्हारे पास, वचन दिया है हमने अपने दोस्त की जान बचाने का। चलो वीरू भाई। देख क्या रहे हो समर? निहत्ते हैं ये मामा जी। तो तेरे भाई और बाप को क्या खुली जंग में ललकार कर मारा था? न्याय और नियम के पछड़े में कमजोर मत बनो समर, नीति को समझो। जिस संकल्प को लेकर इस संग्राम में उतरे हो उसे पूरा करो। याद रखो राजनीति में हमेशा जीत को मान मिलता है, और तुम्हारी जीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये जीवित है। कम ऑन, फिनिश। मैं इंदु प्रताप ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन। जो कुछ भी किया वो मैं कभी नहीं चाहता था। एक आप ही है ताऊजी जो ये जानते हैं। मुझे माफ करता। नहीं हो, दिल की सच्ची हो।
संभालो कि अपने आपको। मेरी दुनिया अलग है तो उसमें बस एक सहारा थी। Now I must look after her mother. लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना पड़ेगा। तुम्हारे भाई अपना अंश छोड़ गए हैं हमारे पास। मां बनेंगे हम। अरसे के बाद इस फैमिली में कोई खुशखबरी मिली है। Congratulations. जल्दी आना। बार लाल बत्ती वाली गाड़ी में लेने आना मुझे। काका तुम परिवार है रामचरित्र, आखिर कहाँ जाएगा? हम ही तो आपको लाते ले जाते रहे आज तक एयरपोर्ट। बचपन से गोद में